हेलो दोस्तों, जय कबूतर देसी आई फ्लेम किचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाश माणिक खंडागले। दोस्तों आज हम आ चुके हैं स्पेशली मुंबई में अंधेरी में मेरे यहाँ पे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है स्पेशली एक नया ब्रीडिंग सेटअप मैंने खुद ने बनाया चुका हूँ। तो यानी कि मैंने खुद ने मतलब बाहर हमने बनाने के लिए दिया था, तो पेमेंट वगैरह करके फिर हमने घर पे बना चुके हैं। तो और जिन्होंने ये लॉट बनाया चुका है, एक नंबर लॉट बनाया दोस्तों, मुझे जैसा चाहिए था वैसे सेम लॉट बना चुके हैं। तो उनका नाम है अपने नासिर भाई, तो थैंक यू नासिर भाई। तो नासिर भाई ने दोस्तों बना चुके हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है वही हम कह सकते हैं। तो वो टाइम के बाद मतलब जो शेड्यूल होता है, यानी कि कहते हैं ना, एक मतलब माइंड में हम सोचते हैं कि ये टाइम पे ये सीज़न में इतने इतने पट्टे आने चाहिए वगैरह, तो वो पूरा टूट गया क्योंकि थोड़ा ज़रा लॉफ्ट अपना लेट बना। तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन लॉफ्ट अपने दिल के तरह मतलब जैसा चाहिए था वैसा लॉट बन चुका है। तो मज़ा आ गया मुझे, थैंक यू नासिर भाई आपका वंस अगेन। तो नासिर भाई को जो भी भाई अगर ऑर्डर देना चाहते हो तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हो, उनको भी लॉफ्ट वगैरह कैसा बनाना है कैसा नहीं। और दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो कबूतर की जो लॉफ्ट है, ये लॉफ्ट जो बन चुकी है दोस्तों फेब्रुवरी महीने में, और बराबर 14 फेब्रुवरी को मैंने वैलेंटाइन डे के दिन कबूतर का भी जोड़ा लगा चुका था। लेकिन वो वीडियो मैं सोचा कि आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, ऐसा करते 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 अभी हो चुके हैं टोटली बहुत टाइम। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वीडियो डिलीट करने वाला था, मैं सोचा कि क्या अपलोड करना यूट्यूब पर, बहुत टाइम हो चुका। लेकिन मैंने क्यों ना सोचा कि यही अगर पॉइंट अगर हमारे व्यूवर्स को कुछ सीखने मिल जाए कि मैंने किस तरह लॉफ्ट बनाया है, क्या है, एक छोटा सा कुछ नॉलेज अगर उनको मिल जाए, या तो फिर वो वीडियो देख के अगर वो अगर कमेंट्स में बताते ऐसा नहीं ऐसा करो, ये करो वो करो, तो हो सकता है मुझे भी कुछ एक सीखने का मौका मिलेगा कि मुझे भी एक पॉइंट्स पता चलेगा कि क्या क्या कैसा कैसा होना चाहिए। दोस्तों पैसे तो चले गए ज़्यादा ही, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये जिस तरह ये टेरेस है तो टेरेस पे देखते हैं अभी कब शॉक होता है। तो क्यों ना सोचा कि फ़िलहाल के लिए नीचे ही ज़मीन के ऊपर एक ब्रीडिंग सेटअप हो जाए, क्योंकि जो दूसरा पिंजरा था वो सिंगल का ही था, नर मादी अलग, तो उसमें मैं ब्रीडिंग सेटअप भी करता था। जब सिंगल करना हो तो ब्रीडिंग सेटअप निकाल देता था और फिर रिटर्न सिंगल करता था। तो क्यों ना सोचा एक ब्रीडिंग सेटअप हो जाए, तो 16 खन का पिंजरा बना चुका हूँ, एक नंबर, मेरा तो दिल को शुक्र, और पट्टे वगैरह भी परफेक्टली हो रहे अभी। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कबूतरों का जो सेटअप है तो किस तरह बनाया है, किस तरह ने एक नंबर बना चुके हैं, मेरा तो दिल खुश हो चुका है। तो आप भी देखिए और बताइए कि किस तरह बनाए किस तरह ने, और वीडियो सोचा आज करूँ कल करूँ ऐसा करते करते बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो आप ज़रूर बताइए कि किस में कुछ कमी है या नहीं है। ओके दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कम बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि व्यूअर्स को भी थोड़ा सा ज़रा अच्छा लगेगा। ये देखो कबूतर वगैरह सब आते जा रहे हैं यहाँ पे टेरेस के ऊपर ही, जंगली पहली शुरुआत ये देखो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आपको लेके चलते हैं वीडियो के पास कि किस तरह लॉफ्ट बना चुके हैं किस तरह नहीं बना चुके हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखें। ये देखो दोस्तों, ये अपना सेटअप जस्ट अभी स्टार्ट हो चुका है काम अपना, ये देखो रेडी हो चुका है। ये देखो हाइट में 5 फुट है, आड़े में 6 फुट है और डीप में 3 फुट है। ये देखो पूरा लोखंड का पत्रा और एकदम हैवी क्वालिटी में पत्रा लगा चुके हमने। ये देखो एकदम मजबूत काम किया हमारे नासिर भाई ने। ये देखो 1.5 फुट के ऊपर पत्रा लगा चुका हूँ और 1.5 फुट के ऊपर लोखंड की जाली और पट्टी मार चुके हमने। और ये देखो ये इस तरह पूरा ओपन बॉक्स रहेगा, इसी के अंदर पूरा लकड़े का काम होने वाला है। बाहर से मजबूती की है हमने ताकि बाहर से फ्रेम जो भी कुछ है एकदम मजबूत तो रह जाए। एकदम अच्छी क्वालिटी में बना चुके हैं हमारे नासिर भाई ने भी। ये देखो, और ये पूरा दिमाग मेरा ही है, ताकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग हो जाए। ये देखो, तो वो पहली वाले जो था उसमें गेट नहीं था, तो यहाँ पे गेट लग चुका है अभी। ये देखो, और छोटी छोटी जाली लगा चुके हमने। ये देखो ये छोटी छोटी बॉक्स वाली जाली, दरवाज़ा भी लग चुका है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो मस्त छोटी छोटी जाली, इसके लिए दोस्तों क्योंकि जो पहला वाला जो पिंजरा है मेरा, तो उसमें कैसा थोड़ी बड़े बॉक्स की जाली है, तो उसके अंदर चूहा वगैरह जाता है अंदर जाके। चूहा कबूतर को तो नहीं खाया अभी तक, लेकिन उसके अंदर जाके जो दाना पड़ा हुआ रहता है वो दाना वगैरह खा लेता, तो इसलिए हमने यहाँ पे छोटी छोटी जाली लगा चुके हैं, एकदम मजबूत जाड़ी जाली। ये देखो दरवाज़ा वगैरह लग चुका है बाहर से, मतलब ये पूरा अखा बॉक्स रेडी हो चुका है। अभी मुझे ये लोखंड का बॉक्स बनाना था, उसके अंदर जो कुछ है वो अलग काम करवाना। तो कैसा होने वाला है सेटअप, कैसा नहीं, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों। आप बोलोगे हो गया, चलो भगा के देखेंगे, हो सकता है कुछ आपको भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा, कुछ पता चलेगा, या कुछ मेरी मिस्टेक रहेगी तो आप मुझे बता सकते हो क्या है क्या नहीं करके। ये देखो दोस्तों ये इस तरह है। देखो भाई हमारे कारपेंटर है, ये तुम्हारे सेल्फ का काम हो रहा है जाली का। भाई जाली देखो, ये जाड़ी वाली जाली है, जाड़ी वाली जाली है, हल्की वाली जाली नहीं है।
ठीक है भाई, ये काम चालू है। ये पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ पर, ये भी कारपेंटर है, ये पूरी पूरी टीम है यहाँ पर, देख सकते हो ये सुतार के साथ लगी हुई है। ये कटिंग वटिंग का काम हो रहा है भाई, देखो गेट नहीं लटक रहा है भाई, अक्खा ही गेट है, सब एकदम एक नंबर हो रहा है। देखो ये गेट है पूरा, इतना बड़ा गेट का काम दो चार पार्ट में नहीं कर पाएंगे, हो रहा बराबर हो गया। ये लटक रहा वटक रहा नहीं है, देखो ये देखो आकाश भाई, ये लटक रहा नहीं है, ये वन पीस में ही रहेगा गेट, ऐसा लगा था मेरे को लटक रहा था, बाकी लटक रहा नहीं है। ये देखिए देखिए भाई, ये लटक रहा नहीं है, ये इसके नीचे चार व्हील लगा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा ओके, और एक एक इंजिस लगा दूंगा, हो जाएगा बराबर। ठीक है भाई, ये देखिए गेट खुला है, ये कड़ी वड़ी इंजिस का काम बाकी है इसके अंदर, लकड़ी प्लाई व्लाई सब आके पड़ी हुई है इधर, कलर वलर मार के सब ओके हो जाएगा, उधर कारपेंटर काम कर रहा है। ठीक है भाई, ये देखो दोस्तों, ये एक पिंजरा बना चुके अपन ने, ये देखो किस तरह है किस तरह नहीं, देखिए देखो ये तो सिंगल पिंजरा अपना, नर मादी अलग अलग रखते तो ब्रीडिंग सेटअप इसी के अंदर होता था पहले, लेकिन अभी मैंने इस पे भी एक नया सेटअप बना चुका हूँ, तो ये देखो किस तरह है किस तरह नहीं, अभी ओपन भी करके बताते आपको, ज़रूर बताना। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बाहर से नज़ारा दिखा देता हूँ, देखो ये मच्छर जाली लगा चुके हैं हमने, ताकि मच्छर वगैरह अंदर नहीं जाना चाहिए करके, ओके। और ये देखो ये पूरा लोखंड, ये डीप में जो ये 3 फुट है, तो 3 फुट के ऊपर 1.5 फुट के ऊपर मैंने लोखंड का पत्रा लगाया हो, और 3 फुट के ऊपर लोखंड की जाली और प्लस पट्टी मार चुका हूँ, ठीक है, और प्लस उसके ऊपर मच्छर जाली है, ताकि मच्छर भी नहीं जाना चाहिए, और अंदर का जो वेंटिलेशन होता है वो आधे इसमें पत्रा कबूतर अपने अंदर रहेंगे और आधे इसमें से वेंटिलेशन बाहर आते रहेगा, ओके। ये देखो इस तरह, ये देखो ये है, अभी जस्ट अभी आज जोड़ में भी जाएंगे कबूतर, ये देखो यहाँ से भी उसी तरह किया हुआ है क्रॉस वेंटिलेशन पूरा, यहाँ से भी अंदर से हवा जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से हवा गई तो वहाँ से बाहर आएगी, पूरा क्रॉस वेंटिलेशन, तो किस तरह नहीं ज़रूर बताइए, ओके दोस्तों। तो अभी अंदर की तरफ भी हम लेके चलते हैं, ये देखो दोस्तों ये है परी जो यहाँ पे लॉफ्ट वगैरह पूरा हैंडल करते हैं। हेलो परी, परी क्या नाम है कुछ? मेरा नाम है परी। परी पापा की परी। ओ परी कौन से स्टैंडर्ड में? फोर्थ स्टैंडर्ड में। देखो दोस्तों और अपने पास कौन से कबूतर है? कल्लू में, नीलू में, बहुत सारे बहुत सारे। और कौन से? डब वाले, मोती वाले, गोल्डन है, जीरे का मगर है, सिलिटी का मगर है, महाराजा ब्रीड है। अरे वाह, मस्त मस्त, चलो अच्छा दोस्तों अभी इन्हीं के हाथ से पूरा ओपन पिंजरा हम कर देते हैं। ये देखो दोस्तों ये ओपनिंग हमारा लॉफ्ट, हमारे बच्चे सभी अभी बच्चे गायब है, मतलब हमारे यहाँ पे जो शॉक करने आते हैं, हमारे यहाँ पे जो शॉक करने के लिए आते हैं दोस्तों, जो जूनियर केजी सीनियर केजी से लेके पूरे 10th स्टैंडर्ड तक लड़का लड़की सब लोग आते हैं, तो अभी कोई है नहीं, हमारे परी के हाथों से हम ओपनिंग करते हैं। परी ओपनिंग किया जाए, ये देखो, ये देखो किस तरह, ये देखो दोस्तों ये अपना लॉफ्ट, ये देखो किस तरह है। तो दोस्तों ये अपना लॉफ्ट है, टोटली 16 खन का लॉफ्ट है, ये देखो दोस्तों किस तरह है किस तरह नहीं, ये देखो अभी यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसी के अंदर दोस्तों 2 ओल्ड फीडर आने वाला है, और प्लस उसी के साथ साथ ये देखो यहाँ पे है जो हमने अभी ये इसे फोल्ड करना है, वो फोल्ड करना भूल गए लगता है नासिर भाई, कोई बात नहीं। ये देखो दोस्तों यहाँ पे इस तरह ऐसा ये वाटर ड्रिंकर के लिए अंदर आएगा, तो वो पूरा सेटअप लगाने के बाद आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको शॉक कराते हैं। ये देखो दोस्तों ये इस तरह तार है, ये तार निकाल दिया, ये दरवाज़ा नीचे गिर गया, ठीक है, और ये तार लेके यहाँ पे भी लगा सकते हैं साइड में, कोई टेंशन नहीं। देखो ये जो डीप है, ये डीप मैं बताना चाहूँगा आपको, ये डीप है दोस्तों 2 फुट गहराई और आड़े में 1.5 फुट है और हाइट में 15 इंच है, ओके दोस्तों 15 इंच है। और उसके बाद में ये देखो ये एक लकड़ी का टुकड़ा खाली सेफ्टी के लिए लगा चुके हमने यहाँ पे, क्योंकि अंडा वगैरह कभी देंगे तो सीधा बाहर नहीं आना मांगता इसके लिए, ओके दोस्तों। और प्लस अगर हमें दरवाज़ा अगर ऐसा ये चाहिए, पूरा नीचे नहीं सुलाना है, तो ये देखो इस तरह ये ऐसा रख दिया, मतलब कबूतर जो है यहाँ पे बैठेंगे और डायरेक्ट अंदर जाएंगे, अंदर से आएंगे तो यहाँ पे बैठेंगे, बाहर बैठ सकते हैं, सभी के सभी ऐसे कर सकते हैं, और सभी का सभी सेक्शन इसी तरह होता है, ओके दोस्तों। ये देखो अगर हम ये भी करेंगे एक सैंपल के लिए, तो ये देखो ये दरवाज़ा खोला, एक मिनट यहाँ पे अटका दिया, ये देखो लाइन से,
लाइन से ऐसे सभी दरवाजे हो सकते हैं, वो भी अगर लाइन से चाहिए तो वो भी हम करके दिखाते एक बार। ये देखो दोस्तों, ये पूरा सेक्शन ये देखो इस तरह है, ये देखो ये 16 के 16 सेक्शन इस तरह, ये देखो ये देखो, 1 2 3 4 आड़े में 4 है, 1 2 3 4 खड़े में 4 है, टोटल 4 चौक 16 सेक्शन। और ये देखो ये इस तरह कबूतर यहाँ पे बैठेंगे वगैरह इस तरह भी कर सकते हैं अगर हमें ऐसा बनाना है तो। ये देखो ये सेक्शन, और ये देखो ये हमारे साथ शौक करते थे हमारे, ये देखो राजेश भाई, हमारे यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे ही है जिनके साथ हम शौक करते। राजेश भाई कुछ कहना भी वैसे, कैसा लगा ब्रीडिंग सेटअप, कैसा लगा ब्रीडिंग सेटअप? बहुत मस्त, बहुत मस्त। परी कैसा लगा ब्रीडिंग सेटअप? बहुत अच्छा लगा आकाश भाऊ। मस्त। ये देखो, और अभी दोस्तों ये हो गया, ये इस तरह सेक्शन है, अगर मुझे ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो कैसा लगा दोस्तों सेटअप, ये किसी ने मुझे बताया नहीं है, कुछ भी नहीं, मैंने मेरे दिमाग से कर चुका हूँ। वहाँ से लेके यहाँ तक जो डीप है गहराई बॉक्स की, वो है 3 फुट। ओके दोस्तों, 3 फुट है, आड़े में 5 फुट है, हाइट में 6 फुट है ऐसा। ओके, और ये जो 1 फुट का जो मैंने गैप रखा है, वो मैंने जानबूझ के रखा है कि कभी अगर मेरे को दाने का डब्बा वगैरह रखना हो तो वो मैं रख सकूँ, वो हिसाब से मैंने जानबूझ के बनाया। और मुझे बाहर से ही ये देखो, अगर ये बन मैंने बंद किया ऐसा, ये देखो ये मैंने बंद किया, बंद करने के बाद में दाने का डब्बा यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, 12 फीडर, और ये वाटर ड्रिंकर के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे रख सकता हूँ मैं ऐसा, ये देखो इस तरह, ठीक है। तो वो हिसाब से मैंने ये रखा और बाहर से ही दाना पानी, और ये होता है डबल डोर वाला सिस्टम, ये हो गया बंद, कोई टेंशन नहीं है ऐसा, ठीक है। ये देखो अभी इसके अंदर एक जोड़ा भी आपको छोड़ के बताते कि थोड़ा कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। ये देखो दोस्तों ये ओपनिंग हो चुका है, एक मिनट ये तार बीच में आ रहा था मैं हटा देते। ये देखो दोस्तों ये जोड़ा है, अभी आप कहोगे कौन से जोड़े, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जोड़ा हैदराबादी ब्लड लाइन है, हैदराबादी ब्रीड रोशन चिराग जोड़ा ही है। ये देखो दोस्तों एकदम हाइट में वगैरह इनको एकदम कंफर्टेबल, ये देखो किस तरह है जोड़ा, ये देखो ये जोड़े के लिए साइजदार वगैरह ऐसा एकदम कम्फर्टेबल अंदर। अभी इसके अंदर हम बाउल, वाटर ड्रिंकर और वो सब लगा के भी दिखाते आपको, ताकि आपको भी पता चले। ये देखो दोस्तों डीप में 2 फुट दिया हुआ है, आड़े में 1.5 फुट है, हाइट में 15 इंच है, तो कैसा लगा सेटअप कैसा नहीं जरूर बताएं। ये देखो दोस्तों ये पिंजरा कैसा लगा आपको सेटअप, अभी इसी के अंदर ऐसी सब जोड़े जोड़े जाने वाले, अभी अंदर बाउल आने वाला है वो भी आपको हम बताएंगे, प्लस उसके बाद में ये इस तरह पैकिंग करके यहाँ पे 12 फीडर आएगा, फिर यहाँ पे बॉटल भी लगेगी, पूरा डिटेल्स हम देंगे। तो अभी कैसा लगा सेटअप कैसा नहीं जरूर बताएं दोस्तों, स्पेशली अभी ब्रीडिंग सेटअप थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे इसमें जोड़े हम लगाएंगे, तो अभी और भी आगे का सेटअप जो भी कुछ है, वाटर ड्रिंकर भी लगाने के बाद में, 12 फीडर लगाने के बाद में अंदर बाउल भी लगाएंगे, वो भी आपको कवर करते हैं। ये देखो दोस्तों ये है स्पेशली बाउल जो हमने ले चुके हैं, बाहर से स्पेशली खरीद चुके हैं हमने। ये देखो दोस्तों किस तरह है किस तरह नहीं ज़रूर बताइए, ये देखो, और ये है सेटअप अपना, ये देखो, और इनकी जो साइज है दोस्तों ये देखो, मेरा ख्याल से 10 इंच है, 10 बाय 10 का ही है एक एक सेक्शन। ये देखो टोटल 16 बाउल ले चुके, ये भी अंदर बैठने के बाद में आपको दिखेंगे हम कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। ये देखो ये इस तरह बना चुके हमने, ये देखो देखो दोस्तों ये हमने बाउल लगा चुके हैं, ये देखो किस तरह है किस तरह नहीं। और उसके बाद में ये देखो ये एक सेक्शन खोल देते हम फटाफट, ये देखो ये इस तरह अटका दिए, ये अटका दिए इस तरह, और ये देखो ये है इस तरह। ये देखो बाउल वगैरह सब अंदर लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मतलब अंडे बच्चे कबूतर एकदम परफेक्टली कर सकते हैं, और सेक्शन काफ़ी बड़ा है, अगर ये लकड़ी नहीं चाहिए तो ये लकड़ी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लकड़ी इसलिए सेफ्टी के लिए लगा है क्योंकि अगर कभी अंडा अगर कभी गलती से बाहर दिया तो सरक के बाहर नहीं आना मांगता इसके लिए। ओके, अभी यहाँ पे जो 12 फीडर और ये वो भी लगा के दिखाते आपको। ये देखो दोस्तों ये 12 फीडर वगैरह मैंने, ये देखो दोस्तों टेरेस के ऊपर रखा चुका है, टेरेस के ऊपर रखा है मैंने क्योंकि खास करके धूप के लिए, वेंटिलेशन के लिए। ये देखो दोस्तों ताकि वेंटिलेशन मीन्स, सॉरी गलती से हो गया दोस्तों, धूप के अंदर मैंने इसलिए रखा हुआ 12 फीडर क्योंकि जितना भी वायरस वगैरह निकल जाएगा, वो जो भी वायरस वगैरह रहेगा, क्योंकि कम्प्लीटली यानी फरवरी मार्च महीने में मैंने जोड़ा तोड़ा था, तब से लेके ये मैंने पूरा एक जगह पर रख दिया था साइड में, तो पूरा इनको अच्छे से पूरा धो भी के, कात्या सबन से धो के पूरा एकदम क्लीन करके मैंने 2 दिन इनको धूप में सुखा दिया, ताकि जितना भी वायरस रहेगा सभी का सभी पूरा मर जाएगा वायरस, तो वो हिसाब से पूरा ये क्लीन हो चुका है। अभी ये देखो दोस्तों ये तो कलर हो चुका है वैसा काला, ये देखो ये डी कप है ताकि इसके अंदर मट्टी वगैरह दे सके, लेकिन हम इसमें अभी थोड़ा अंडा वगैरह रखेंगे। ये देखो ये सब पूरा चेंज होने वाला है, तो कैसा लगा आपको? ये देखो अभी ये सब वहाँ पे लॉफ्ट में लगने वाला है।
दोस्तों ये दक्ष भाई अभी 10th स्टैंडर्ड में, ये भी शॉक करते हो। और ये देखो दोस्तों, ये हमारा सेटअप जो अभी हम पूरा चेंज कर चुके हैं। ये देखो पूरा प्रॉपर तरीके से, मतलब बॉटल्स वगैरह पूरा लग चुका है। ये देखो ये किस तरह है, ये देखो, यानी कि एक प्रॉपर 2 फुट डीप है और आड़े में 1.5 फुट है और हाइट में 15 इंच है। ये देखो ये बॉटल हम लेके आ चुके हैं रवि भाई के यहाँ से, एकदम मस्त कड़क बॉटल है। ये देखो ये इस तरह है। अभी यहाँ पे अंडे बच्चे वगैरह सब चालू है तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको शॉक कराया जाए। ये देखो ये इस तरह है। ये देखो ये अपना ब्रीडिंग सेटअप, ज़रूर बताओ कैसा है कैसा नहीं। तो यहाँ पे कबूतर का शॉक करने के लिए हमारे दक्ष भाई भी बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। ये देखो ये दक्ष भाई। तो दक्ष भाई कुछ कहना व्यूअर्स से? नहीं कुछ नहीं, आओ शॉक करो, देखो हमारे कबूतर कैसे कैसे नहीं है। वास्ता ये देखो। तो हमारे साथ शॉक करने के लिए ये भी है छोटे छोटे फैंस हमारे दोस्त। ये देखो दोस्तों ये है निक्कू। हेलो निक्कू, कैसे हो आप? और ये है परी। ये देखो दोस्तों, हेलो परी, पापा की परी। और ये है तन्नो। ये देखो ये तन्नो। ये दोस्तों यहाँ पे शौक करते हैं हमारे साथ में कबूतरों का। कुछ कहना है किसी को कुछ? हाँ हाँ, न्यू ब्रीडिंग सेटअप बनाया, देख सकते हो आप गाइस। बड़ी शर्मा रही, डर रही है, कोई बात नहीं। तन्नो कुछ कहना है व्यूअर्स से? मैं बोलती हूँ आप कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आपका हमारा ब्रीडिंग सेटअप। मस्त। तन्नू कुछ कहना है? ना है, कंप्यूटर डर रहे। निको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। ओके थैंक यू। जाए कबूतर। बच्चों लोग ने अभी एक कबूतर पकड़ लिया है। ये सबसे पहले हम तन्नू को पूछेंगे, तन्नू कौन सा कबूतर पकड़ा है? कोयल। कोयल है, नरे मादी है? नारे। और ये देखो ये परी ने, परी कौन सा कबूतर? सिलेटी का मगर मैंने पकड़ा हुआ है। सिलेटी का मगर है, क्या बात है, आंखों का भी शौक कर है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये देखो दोस्तों किस तरह आंखों का शौक करा रही हमें परी। ये देखो निकू कौन सा कबूतर है? दुबा। ये देखो दोस्तों ये शौकर। और कौन सा स्टैंडर्ड में तू? थर्ड में। परी तू? फोर्थ में। और तू? फिफ्थ में। ये देखो दोस्तों ये भी शौक हमारे साथ शौक करती है। ये देखो ये क्या नाम है? त्रिशा। कौन सा स्टैंडर्ड में? फोर्थ में। देखो छोटे बच्चे से लेके लेडीज वगैरह सब यहाँ पे शौक करते हैं हमारे साथ। कुछ कहना है किसी से लास्ट? हाँ। क्या बोलना है? आकाश ओके चैलेंज, चैनल पे सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो, चैनल पे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाओ, लाइक भी और आप कबूतर भी देख सकते हो। थैंक यू। ये देखो दोस्तों ये है लॉफ्ट। ये देखो ये अपना लॉफ्ट है। और जिस तरह मैंने बताया था कि ये देखो 3 बज गया, 3 बजने के बाद में पूरा धूप आ जाता है, यानी कि धूप। ये देखो अभी यहाँ पे धूप है तो धूप पूरा यहाँ पे इस पर गिर जाता है, तो अंदर का जो बॉटल्स रखे हमने वो पूरा, मतलब धूप उस पर लगने के कारण ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो इसी के कारण हमने क्या किया है सेफ्टी, ये देखो ये गोनी इस तरह ऊपर रख चुके। ये देखो यहाँ से भी हम ओपन करते हैं। ये देखो ये इस तरह गोनी, फिर यहाँ पे नीचे फ्लाई रख देते, ये वाला फ्लाई, तो सेफ्टी हो जाता है ताकि धूप से थोड़ा कवर हो जाता है। अंदर का भी सिस्टम बताते। ये देखा ये इस तरह है, बॉटल्स वगैरह रख चुके हैं पानी का हमने। ये देखो और इसके अंदर जो दाना वगैरह है, ये देखो ये इस तरह कबूतर इसमें से दाना खाते टोल फीडर। और ये देखो इसके अंदर ये सब दाना मिक्स, ज़्यादातर करके सब मिक्स ही दाना है, गऊ ना के बराबर ही है। ये सब दाना, ये बॉटल्स वगैरह, ये देखो ये इस तरह सिस्टम है। ये देखो और फिर बाद में यहाँ से भी धूप अंदर जाता है। ये देखो आधा 1.5 फुट के ऊपर पतरा और 1.5 फुट के ऊपर है, तो हमने यहाँ से भी ये लगा दिया था, धूप इसके अंदर जाता है तो यहाँ से आधा गैप रखा है। अगर ये भी नीचे तो हम ये गोनी को नीचे कर देते हैं, ये देखो, ताकि धूप से पूरा सेफ्टी, कोई टेंशन नहीं ऐसा। ये देखो दोस्तों ये इस तरह फ्लाई वगैरह रख चुके हमने, गोनी वगैरह थोड़ा सेफ्टी, और ऊपर पत्रा रख चुके हमने ताकि थोड़ा जरा धूप से बचे रहे। तो इस तरह सेटअप है, ज़रूर बताइए किस तरह। और ये बाजू में सेकंड लॉफ्ट है अपना। हेलो दोस्तों, तो आपने देख रहे हैं ये कबूतर की लॉफ्ट किस तरह बन चुके, किस तरह नहीं, एक एक नंबर लॉफ्ट बन चुके दोस्तों। मुझे तो मज़ा आ गया।
कबूतरों का सेटअप बनके और एक नंबर प्रॉपर, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सेटअप होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वहाँ तक मैंने कोशिश पूरी की है। अब आप बताइए कि कैसा सेटअप बना है, कैसा नहीं करके। ओके दोस्तों, और मैं एक बताना चाहूँगा कि जो एक सेक्शन है डीप में 2 फुट है, 2 फुट डीप दे चुका हूँ और आड़े में 1.5 फुट है और हाइट में 15 इंच है। 15 इंच एकदम परफेक्टली, मैं सोचा था 1.5x1.5 का बनाऊँ लेकिन 15 इंच कर चुका हूँ एकदम परफेक्ट। कुछ भी नहीं मतलब चेंज करना है, यही सेटअप अगर मुझे बनाना हो तो यही सेटअप मैं दोबारा और बनाऊँगा, लेकिन अभी देखते हैं। जंगली क्या मान रही नहीं है, जंगली आते ही जा रहे, चलो अच्छी बात है, आने दो। ओके दोस्तों, और काफ़ी अच्छा स्पेशली क्रॉस मेंटेनेशन दे चुका हूँ, तो आपने देखे रहेंगे क्रॉस मेंटेनेशन, यहाँ से भी हवा पास, सामने से भी, पूरा एक नंबर लॉफ्ट बना चुका हो। तो कैसा लॉफ्ट है कैसा नहीं दोस्तों, आप ही बताइए। मैं क्या है, मैं बात करते करते काफ़ी लंबी हो जाएगी बात, लेकिन जाने दो, जितना उतना ही ठीक है थोड़ा बहुत। तो ज़रूर बताइए दोस्तों कि लॉफ्ट कैसी बनी है, कैसी नहीं। और एक मैं बताना चाहूँगा कि लॉफ्ट के अंदर मैंने ये भी चेंजेस कर चुका हूँ कि जैसे कि 3 बजे के बाद में, 3 से लेकर 6 बजे तक 3 घंटे धूप सामने आ जाए, तो सामने से डायरेक्टली सीधा लॉफ्ट पे आ जा रही है, तो अंदर जो पानी का जो मैंने रखा हो पानी के लिए, तो कैसा वो पानी फिर गर्म हो जाता है, तो फिर वो बॉटल भी थोड़ी बहुत जरा ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं बॉटल्स उसके अंदर, मतलब वो अभी सब अलग अलग कहते हैं, लाल वगैरह हो, ग्रीन वगैरह शेड हो जाता है, तो उसकी वजह से। तो मैं क्या किया हूँ कि बाहर से जो दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर दोस्तों मैंने गोनी जो होती है ना, गोनी को मैंने वहाँ पे टाई से बांध चुका हूँ, और जब 3 बज जाता तो मैं गोनी पूरा नीचे कर देता हूँ, यानी कि धूप पूरा गोनी के ऊपर आ जाता है, तो अंदर पूरी छाव हो जाती है और वेंटिलेशन भी उनका एक नंबर हो जाता है। तो और फिर बाद में धूप चली जाती है, फिर शाम के बाद में फिर मैं गोनी को फोल्ड करके रिटर्न रख देता हूँ, ताकि हवा पानी वगैरह उनका जो हवा वेंटिलेशन है वो एकदम एक नंबर हो जाए। इसके लिए तो आपके यहाँ पे भी अगर लॉफ्ट में अगर कभी अगर ऐसा धूप अगर आ रही है, पानी जहाँ पे रखते हो आप, तो वो टाइम पे आप भी थोड़ा सा कवर करिए, क्योंकि गर्म पानी पीने से कबूतर की भी प्रॉब्लम, और जो प्लास्टिक होता है वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट के कारण उसका स्मेल वगैरह पूरा पानी में मिक्सअप हो जाएगा, कबूतर उससे भी बीमार हो सकते हैं। तो ये एक एक पॉइंट है, तो सोचा आपको क्यों ना बताओ। ओके दोस्तों, तो यही पे वीडियो स्टॉप करते, तो कैसी लगी लॉफ्ट, कैसा लगा सेटअप, ज़रूर बताइए दोस्तों। एक छोटा सा प्यारा सा सेटअप बना चुके हमने, तो ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, तो यही पे वीडियो स्टॉप करते हैं। जिस किसी भाई को अगर सेटअप अच्छा लगा हो, कुछ भी बातें अच्छी लगी हो, तो ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी हो, सेटअप कैसा लगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो लगी तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर का बटन है, आप उसे टच कीजिए, उसके आगे बेल आइकन उसे भी आप टच कीजिए, उससे होगा जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप ही के पास आ जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय कबूतर।